नाइजीरिया के शहर पोर्ट बारकोट की चर्च की एक तकरीर के दौरान भगदड़ मचने से 30 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नाइजीरिया की सिविल डिफेंस फोर्स के तर्जमान ने कहा है कि मरने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों की है। ये वाकया मकामी पोलो क्लब में हुआ जहां करीब ही वाकया चर्च की तरफ से खैराती तहाइफ तकसीम करने की तकरीब जारी थी। अतियात की तकसीम के दौरान शुरका ने बदनजमी का मुजाहरा किया और भगदड़ मच गई। दूसरी तरफ पुलिस तर्जमान का कहना है कि तहाइफ तकसीम करने का अमल शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि एक बेकाबू हजूम क्लब के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुआ जिसकी वजह से भगदड़ मची। पुलिस तर्जमान ने 31 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। उन्होंने मजीद कहा कि वाकये के बाद 7 जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है।